नमस्कार, मैं हूं नीरज सिंह। 24 के चुनावी रण में क्या बोले भारत के लिए हम आ चुके हैं कूच बिहार। आपको बता दें कि कूच बिहार पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से बसाया हुआ शहर है। देशी विदेशी पर्यटकों के लिए ये लुहावना भी है। वर्ग और विरासत की रियासत यह हमेशा से हावी रहती है। कूच बिहार फॉरवर्ड ब्लॉक और लेफ्ट का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 में टीएमसी ने इस गढ़ को तोड़ा था, लेकिन 2019 की मोदी नाम की सुनामी ने टीएमसी को यहां से बहा दिया और कूच बिहार पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। कूच बिहार 2024 में क्या कह रहा है, यहाँ की जनता के क्या इश्यूज हैं, यहाँ किस तरह के मुद्दे हैं, उसी पर हम कूच बिहार के लोगों से बात करेंगे कि इस बार कूच बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है। कूच बिहार किस तरह के मुद्दे हैं और कूच बिहार की जो जनता है वो क्या चाह रही है इस बार? आज कूच बिहार में जो लोग चाहता है, क्योंकि इधर काम धाम कुछ नहीं है, इसलिए इसका भारतवर्षों का अंतिम जिला तथा पश्चिम बंगाल का अंतिम जिला है। इसके लिए इसका जो काम धाम रोटी कपड़ा मकान चाहिए ठीक ढंग से, ये कलकारखाना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। और जनता लोगों को चाहिए जो कुछ चाहिए, हाँ उसका काम चाहिए, नहीं तो कुछ घर में बहुत लोग बाहर जाते काम करता है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है कमल कुमार दत्त। कमल जी, ये तालाब के बारे में बताइए, क्या है ये तालाब? बहुत लोग नहा भी रहे हैं इसमें, बहुत सारे। ये तालाब है जो हम छोटा है, एकदम छोटा है, ये स्कूल में पढ़ता है, जाता आता है, तब घर में जो बड़ा आदमी है, पिताजी है, सब बोलता है कि ये सागरदीघी में राजा जो है, राज परिवार जो है, सब इधर ही नहाता है। कूच बिहार, अभी चुनाव भी चल रहा है 2024 में, तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं जीतने के लिए, तो इस बिहार कूच बिहार की जनता इस बार क्या सोच रही है, कैसी सरकार सोच रही है और क्या क्या काम सोच रही है यहाँ कूच बिहार में? हम जो चाहता है दो चीज़ चाहता है, एक शिक्षा और एक शास्त्र। शास्त्र का हाल बेहाल हो गया है, शुद्ध बिल्डिंग है, ऑल बिल्डिंग सबूज हो गया, हॉस्पिटल जाता है डॉक्टर बोलता है ये आदमी को ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक तो अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं होता है, एक अल्ट्रासोनोग्राफी का डेट 2.5-3 महीने बाद में पड़ता है, रूम है डॉक्टर नहीं है, एम्स का तरफ एक हॉस्पिटल, कारण कि हम तो एकदम शेष बाउंड्री का है, एकदम शेष बाउंड्री में है कूच बिहार, इसलिए नेग्लिजेंसी है सरकार का, कोई भी नहीं होता है। ये तृणमूल सरकार जितना दिन ये राज्य में रहेगा, बात एक ही है, क्या है बात, खुल के देखो दुनायन, तिहार जेल में बंदी होगा, तृणमूल का उन्नयन और क्या चाहिए, तिहार जेल में शेष में हम देखेगा ये तृणमूल का उन्नयन उधर चला गया, किधर गया, इधर उधर कुछ नहीं होगा, जनगण का कुछ नहीं होगा, नेता को होगा, कैसा नेता है, नेता नहीं है, इधर गुंडा मिराज चलता है। देखो आप लोग देखता है संदेश खाली में क्या होता है, इधर उधर क्या होता है, जिधर भी जाता है एक ही है, लाठी डंडा और झंडा और कुछ नहीं है, इधर शिक्षा शास्त्र कुछ नहीं है। जनता विकास चाहती है और वो चाहती है कि कूच बिहार भी दूसरे शहरों की तरह विकसित हो, वहाँ पर भी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रहनी चाहिए, और इस चुनाव में विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लगता है विकास कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? पहले तो मैं बोलूँगा जब विकास तो यहाँ पर कोई विकास का दूर दूर तक इसका कोई तोड़ ही नहीं है,
विकास तो यहाँ पहुँचे ही नहीं है। यहाँ का आप जितना भी रूम जहाँ पे घूमेंगे देखेंगे यहाँ पे सभी वैसे ही जो पहले राजा का बना हुआ था तब ऐसे ही है। अभी कूचबिहार में नया कुछ नहीं हुआ है। कूचबिहार के लोग विकास को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं और यहाँ के इश्यूज क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? ये कूचबिहार में कोई काम नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है और नौकरी तो नहीं है। जब टीएमसी सरकार इस राज्य में है तो कोई कुछ नहीं है, हर सब कुछ उधर ही वो भाई जो लोग हैं टीएमसी के भाई वो उधर वो सब खाता है सब, और आम जनता कुछ नहीं पाता है। ठीक है, और ये जो ये जो भ्रष्टाचार है ना ये कूचबिहार में, ये सब निकले जाएगा आप बीजेपी के आने से। और जनता यही चाहता है कि इधर बीजेपी आए क्षमता में, ठीक है, तो डेवलप होगा। और असम में है, गुजरात में राज्य जो डेवलप है ये कूचबिहार में होगा, यही चाहता है। ये जो बता रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ है नहीं। तो आपको क्या क्या लगता है कि ये सही बोल रहे हैं कि क्योंकि शहर तो अच्छा दिखाई दे रहा है हमको? हाँ, शहर अच्छा नहीं है, पहले जो था महाराजा रामन में सब ध्वंस किया है। ये लोग आगे का पार्टी जो है वामफ्रंट पार्टी वो भी ध्वंस किया है, और ये भी तो और ध्वंस किया है, सब लूटपाट का खाता है। ये काम होता है ये काम नहीं है, ये लूटपाट का है। ये जो आता है सरकार यही लूटपाट करके खाता है, खाने के लिए सबका किया है। ये काम है, ये क्या काम है ठाकुर दीजिए बनाने में? पूछ इतना रुपया कमाया है सब लूट करके खा के गया है। एक काम दो बार तीन बार कर सकते हैं। यह पहले भी सरकार था बम्फ ने वो भी ये किया है, ये भी इससे अच्छा, ये भी और बड़ा भ्रष्टाचार में ये काम कर रहा है। कूचबिहार में अच्छा सरकार चाहिए, धर्म स्थापना चाहिए। इसमें महाराजा के भी महाराजा में स्तंभ में लिखा है धर्म राज्य स्थापना के लिए, वो लिखा है धर्म राज्य करना चाहिए इसको। महाराजा का जो चीज़ है सब खत्म करके बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग बना क्या है पैसा के लिए। अच्छा सरकार यही देना चाहिए, बीजेपी सरकार आने से अच्छा हो जाएगा। हम लोग बीजेपी साथ में आए, बीजेपी के आने से हम लोग सब साथ में काम करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, इस चुनाव में युवा क्या सोच रहा है, उसके किस तरह के इश्यूज हैं और जब वो वोट डालने के लिए जाता है क्या उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? देखिए, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इधर कोई यूनिवर्सिटी अच्छे से नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, सब लोग एजुकेशन के लिए भी बाहर जाते हैं और अपना अपना काम करने के लिए भी बाहर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कूचबिहार को इतना ज़्यादा डेवलप करें कि इधर का लोग इधर ही एजुकेशन की व्यवस्था मिले उनको, उनको रोजगार इधर ही मिले, उनको बाहर ना जाने पड़े, यही हमारा डिमांड है। और तमाम लोगों से हम बात करेंगे, अलग अलग जो वर्ग है, अलग अलग युवा हैं, उन सब से महिलाओं से बात करेंगे और बताएंगे कि उनके किस तरह के इशू हैं और कूचबिहार के चुनाव में वो क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे जो काम वगैरह है वो किस तरह से है, लोगों की क्या परेशानियाँ हैं, क्या इश्यूज हैं और क्या यहाँ काम हो रहा है लोगों के लिए? काम बहुत ही हो रहा है, लेकिन हमारा जो काम वो सिस्टमेटिक वे से नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल और स्टेट जो डिफरेंस है ये बहुत मुद्दा हमारा पास है, क्योंकि सेंट्रल का जो देना वाला था जो डिफरेंट इश्यूज में डिफरेंट प्रोजेक्ट में जो रुपया नहीं आ रहा है इस बारे में तो बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई लोग आवास योजना में घर नहीं पा रहा है, कोई लोग जो हमारा जो डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट सेंट्रल वो नहीं पा रहा है। इस बारे में स्टेट और सेंट्रल को हम लोग को एक साथ में काम करने से अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत डिफरेंस चल रहा है, ये ठीक नहीं है। कूचबिहार के क्या इश्यूज क्या हैं, क्या मुद्दे हैं चुनाव में जब आप लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, क्या आप लोगों के दिमाग में रहता है भाई कूचबिहार में ये होना चाहिए? देखिए, टोटल डेवलपमेंट चाहिए हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। जो भी हो सेंट्रल हो स्टेट हो एक मिलजुल के काम करके डेवलपमेंट चाहिए हम लोगों को, ठीक है, यही असल मुद्दा है। किस तरह के काम आप चाहते हैं कूचबिहार में? आप कह रहे हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करें, तो किस तरह के काम यहाँ होने चाहिए? पहले से ज़्यादा और ज़्यादा इंडस्ट्री होना चाहिए और ज़्यादा लोगों का काम मिलना चाहिए, इस तरह का कोई डिफरेंट का होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ हिंसा, चुनावी हिंसा बहुत होती है बंगाल के अंदर कूचबिहार में, तो ये क्यों, ऐसा क्या, इसका क्या कारण है ये चुनावी हिंसा का, और रुकनी चाहिए क्योंकि लोग निकल कर अपने वोट दे पाए? ये तो एकदम सही है,
हिंसा बोर्ड में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, ये सब होता है इसलिए कि हमको जीतना ही है, हमको ये करना ही है, हमको एमपी में जीतना है। इस बारे में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, जो जब चुनाव होता है तो चुनाव में सब मिलकर चलने से अच्छा होता है, लेकिन हर जगह में नहीं होता है, दो एक जगह में थोड़ा बहुत होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। इन लोगों के भी कुछ इश्यूज हैं, उनका कहना है कि जो काम कूच बिहार में हो रहे हैं वो उतनी तेजी के साथ नहीं हो रहे हैं, वो काम और तेजी के साथ होने चाहिए, सरकार पारदर्शी तरीके से यहाँ पर काम भी करे। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे अलग अलग इश्यूज पे कि क्या कूच बिहार के लोग चाहते हैं। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं का मुद्दा हावी रहा, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर बात होती रही, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने ये मुद्दा उठाया भी। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इस स्टेट के अंदर और इस बार चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, पहले तो मैं भी एक महिला हूँ और यहाँ जो पश्चिम बंगाल है इसकी मुख्यमंत्री भी महिला ही है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कांदीप से कुछ बिहार था, मतलब मेरी जो शहर है एक कुछ बिहार होती है, छोटा सा शहर, हर महिला धर्षिता होती है। ये जो लक्ष्मी भंडार जो लगी हुई है ना महिला के लिए, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि लक्ष्मी भंडार लेती है महिला वो खुशी से लेती है नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी खुद की कमाई से रुपया नहीं देती है, वो तो जनता की जो कमाई है लूट रहा है उसी की रुपया दे रहा है, और थोड़ा इधर उधर मिला के वो गाड़ी वाड़ी जो होती है ना टैक्स वगैरह बाइक ये सब कुछ, मतलब वो चोर सरकार जो होती है वही मिला के दे रहा है। कूच बिहार की महिलाएं क्या चाहती हैं, कैसी सरकार चाहती हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहती हैं जो महिलाओं के लिए क्या क्या काम करे? महिला के लिए अगर दो तरफ से के मैं बात करूंगी तो महिला के लिए मोदी जी भी सब कुछ किया, आप खुद देखे, और यह की जनता जो है ना आप तो चुपचाप रहेंगे क्योंकि बोलने की तो 4-19 तारीख जो इलेक्शन है उसी में वोट डालेंगे। तो आपको लग रहा है कि महिलाएं इस बार बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी वोटिंग में और जो उनके इश्यूज हैं उसको लेके मतदान करेंगी? वो कुछ बिहार में अभी कैसा रहेगा मुकाबला? बिहार में अभी इस बार कांटे का टक्कर चलेगा इस बार, क्योंकि पहले यहाँ ये देशी लोग था एक भाग था, अभी दो पार्ट में भाग बढ़ गया है, बढ़ने के बाद में इस बार का टक्कर में टीएमसी का ज़्यादा उम्मीद है निकलने का। तो कैसे, मतलब क्या उम्मीद है टीएमसी की ज़्यादा, क्या काम हुआ है, और आप जैसे ई रिक्शा चलाते हैं, आप जैसे तमाम जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या काम हुआ है? हम लोग के लिए अभी जैसे हम लोग टोटो चला रहे हैं, हम लोग का लाइसेंस कुछ नहीं तो भी चला रहे हैं, यहाँ पर रास्ता घाट बहुत अच्छा है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, ममता जी सब कुछ अच्छा दे रहा है हम लोग को, मोदी जी तो हम लोग को बहुत बोल गया है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया है मोदी अभी तक, बोला है तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा ढुकेगा इतना ढुकेगा, मैं एक रिक्शा टोटो वाला चल लग गया ई रिक्शा, अभी तक 5 पैसा भी मेरे अकाउंट में नहीं ढुका है। ये कहते हैं कि चुनाव इस बार कूच बिहार का बड़ा रोचक रहेगा, कांटे की लड़ाई रहेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो खैर जनता करेगी। इस समय हम कूच बिहार के ग्रामीण इलाके में हैं जिसे शताई बोला जाता है, और ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर बांग्लादेश भी मौजूद है। राजनीतिक रूप से भी ये काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि राजनीतिक हिंसा की भी कई घटनाएं यहाँ और उसके आसपास देखने को मिली हैं पिछले अगर चुनावों की बात करें। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके किस तरह के इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये भी कूच बिहार लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, और वो अपने जनप्रतिनिधियों से और सरकार से क्या चाहते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। शताई के ग्रामीण इलाकों में पहुँचे हैं और कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं दिनचर्या ख़त्म करने के बाद इस समय, तो उनके किस तरह के इश्यूज हैं इन चुनावों को लेकर उन्हीं से पूछेंगे।
अच्छा, महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार चुनावों को लेकर, कैसी सरकार चाहते हैं और आप लोगों की किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ इस इलाके में? हम लोग तो यहाँ पर महिला लोग चाहते हैं सब मोदी सरकार आए, कि यहाँ पर TMC जो शुरू कर दिया है, अगर कोई महिला इसके लिए प्रचार करने जाता है तो उसको रोक देता है, घर घर में जाकर बोलता है अगर तुम लोग निकलोगे, आप लोग निकलोगे तो मतलब यहाँ पर आपका बेटी, अगर जिसका बेटी है उसको बेटी को उठा के ले जाएगा बोलता है, घर टूटा देगा बोलता है, मतलब ऐसा शुरू किया। अगर मतलब वो लोग ऐसा संतरा शुरू किया संदेश खाली जैसे, मतलब किसी किसी भी जगह में देखता है जाके, जैसे महिला को बोलता है तुम रात को 12 बजे आओ, पीठा बना जैसे संदेश खाली जैसे, ऐसा भी हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ मतलब इस तरह से हो रहा है, जो संदेश खाली बन गया यहाँ पर, संदेश खाली बन गया। इसीलिए इसके लिए अगर कोई प्रतिवाद करेगा, कोई अगर रुकेगा तो उसको फिर धमकी दे जाता है वो लोग, इतना मतलब इतना संतरास कर रहा है, मतलब बोला नहीं जाता है। इसलिए हम लोग चाहता है, हम लोग को मोदी सरकार चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग संदेश खाली हो गया है, मतलब यहाँ पर हो रहा है, मतलब हो गया। हम लोग एक जगह गया, यहाँ में बुरी हर जगह है, वहाँ पर तो एक मतलब एक मतलब इसे हम लोग का जैसे नारी है, उसको बोला क्या पंचायत लोग बोला ठीक है तुम 12 बजे आ जाओ, तो उसने बोला मैं 12 बजे क्यों जाऊँगा कोई पीठा बनाने के लिए, मतलब संदेश खाली जैसे, तो उसने बोला मैं तो पीठा बनाने नहीं जाऊँगा, तो फिर उसको क्या घर टूटा दिया। अच्छा, यहाँ जैसे अभी बता रहे हैं कि संदेश खाली जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई है, तो औरतों ने कभी प्रोटेस्ट किया या कुछ आवाज़ उठाई प्रशासन से, पुलिस से? नहीं, औरतों ने तो कुछ नहीं प्रोटेस्ट किया, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसलिए वो लोग कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर पाया। महिलाओं के किस तरह के इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं को और वो क्या चाहती हैं, उनके क्या मुद्दे हैं जो सॉल्व हों? हमारे यहाँ पे जो महिला है तो बहुत दुर्गति जो ऐसा है, मेरे घर से नहीं निकल पाते हैं रात को समय, ऐसे कोई कोई प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटल जाने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, लड़की लोग जो ऐसे के रास्ता जो रोक देते हैं, ऐसा भी होता है। और जो महिला है उसको मैंने काम का बहुत प्रॉब्लम है, ये जो ममता दीदी है उसको तो मैंने कोई हेल्प ही नहीं पाते हम लोग, जो हमारे जो बेटी है छोटे छोटे है, तो हम तो जब बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिकल मैंने उतना ज़्यादा तो नहीं है, तो उस समय ऐसा मैंने प्रॉब्लम हो जाता है हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए, ये बॉर्डर इलाका है, बांग्लादेश भी पास है, तो यहाँ किस तरह का जो काम है वो होना चाहिए? हमारे यहाँ पे लेडीज़ लोग बहुत मैंने एडुकेटेड है, तो उसको जब कोई काम ही नहीं है, ऐसे जब बहुत सारा एडुकेटेड, हम भी एडुकेटेड है, कोई सर्विस हमारा तो नहीं मिला अभी तक, हमें MA किया है। आप लोगों की मोटा मोटी क्या क्या समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए? हम लोग को दूर होना चाहिए, जैसे हम लोग पुलिस प्रशासन जो है, जो मैंने वो सबका बात सुन, मैं न्याय का काम करे, क्योंकि वो ऐसा काम करते सिर्फ TMC का बात सुनता है, हम लोग को तो बात सुनता ही नहीं है। अगर मतलब वो लोग ऐसा हो गया, TMC जो बोलेगा वही सुनेगा, वो लोग मतलब उल्टा पुल्टा नाम दे देता है, सबका नाम में केस हो जाता है, घर से निकल नहीं सकता है ऐसे। तो अगर एक मर्द अगर घर से नहीं निकल सके काम करने वाला, तो घर का परिवार कैसे चलेगा, बोलिए सबको अंदर घुसा देता है, तो कितना दिन भाग भाग के रहेगा वो लोग बाहर, यही प्रॉब्लम है यहाँ में परिवार का, सबका मतलब ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाता है, क्या घर चलाने संसार चलाने में प्रॉब्लम हो जाता है। एक केस नहीं, 4-5 केस देखे रखता है, एक केस हो जाता है तो बेल हो जाता है, तो अर केस में फंसा देता है। यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने बड़ी एक चौंकाने वाली बात कही है कि संदेश खाली जैसी स्थिति यहाँ पर भी हो रही है, और यहाँ की महिलाओं का ये कहना है कि ऐसी सरकार आए कि इन महिलाओं की जो सुरक्षा की स्थिति है उसको बेहतर करे, असुरक्षा की भावना खत्म करे। इस बार किस तरह के आप देख रहे हैं कि चुनाव भी है, किस तरह के इश्यूज़ हैं, आप बॉर्डर इलाके में हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, तो आप लोगों के किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे तो रोजी रोटी तो है ही, और यहाँ का जो कानूनी जो है वो एकदम सही नहीं है। मतलब किस तरीके से कानूनी स्थिति सही नहीं, मतलब क्या अभी यहाँ का जो शासक दल है वो जैसे दादागिरी करता है, अगर हम लोग प्रोटेस्ट करेगा तो पूरा झूठा मामला देके पूरा फंसा देता है। यहाँ के अगर लोगों की बात करें, क्योंकि हर आदमी विकास चाहता है, यहाँ कितना बड़ा मुद्दा है? हमारा कोई विकास नहीं है, हम चाहते हैं विकास सर्विक होता है, शिल्प चाहिए, शिक्षा ठीक से चाहिए, और हमारा जो घर में माँ बहन है
वो अच्छा से रहना चाहते हैं। और एडुकेशन पर्सन जो है वो आदमी इलाका में आया तो शासक दल का निर्यातन का प्रतिबद्ध करता है तो केस ठोक देता है, जो तुम्हारा वयस कम है, 28 बसर है, 26 बसर है, केस ठोक दिया तो तुम्हारा चाकरी नौकरी नहीं होता है। और अगर हम दूसरी समस्याओं को देखें तो और किस तरह की स्थिति है, क्योंकि रोड वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी मैं जब आया था। नहीं, सर देखिए यहाँ पर जो लोग हैं हमारा तो सब बिलो प्रॉपर्टी लैंड BPL जैसा है, तो उसका जो इनकम है वो इनकम एकदम कुछ भी नहीं हो, तो यहाँ का बहुत लोग बाहर में जाता है काम करता है, उत्तर प्रदेश जाता है, बेंगलोर जाता है, क्यों काम पे जाता है, यहाँ पर कोई काम नहीं है। और एक प्रॉब्लम है वो जो जॉब कार्ड जो हमारे सेंट्रल सरकार देता है, जॉब कार्ड है जो प्रधानमंत्री योजना आवास योजना है उसका, उसको टाका भी वो हमारा जो यहाँ पर जो BPL भुक्त है वो कोई नहीं पता है ठीक से। यहाँ पर जो नेता है शासक दल का वो कुछ भी नहीं है, वो तो 4 तला बिल्डिंग बना के घर सोता है। अब आप क्या चाहते हो कि यहाँ किस तरह का काम हो, किस तरह का काम हो? गुजरात जैसा हो वहाँ पर ऐसा सरकार हमको चाहिए जो हमारा लोग यहाँ पर रह के यहाँ पर खाके पर के चलते फिरते पड़ते हैं। इस समय हम दिन हटा के ग्रामीण इलाकों में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि कूच बिहार का जो दिन हटा इलाका है सबसे ज़्यादा हिंसा से ग्रसित रहा है। पिछले पंचायत चुनाव में भी यहां जमकर हिंसा हुई, कुछ लोगों की मौत हुई, कुछ लोग घायल भी हुए, यहां तक कि राज्यपाल महोदय भी दिन हटा पहुँचे थे और जो घायल लोग हुए थे उनसे उन्होंने मुलाकात भी करी थी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं ग्रामीण, उनसे पूछेंगे कि किस तरह की स्थिति है और किस तरह के उनके मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं वो अपने जनप्रतिनिधियों से। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें इस इलाके की विकास की, क्या स्थिति है और क्या चाहते हो आप लोग, यहाँ क्या हो? कुछ नहीं है विकास, इधर तो विकास कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही, बस भाता दे के सब कुछ चला रहा है। हमारा जो एडुकेशन वाला लड़का है BA फाइनल करके बैठा है, कुछ नौकरी वकड़ी कुछ नहीं है इधर, बस ऐसी ही बात भाता देते हैं, कोई कर्मस्थल भी नहीं है, कोई कंपनी भी नहीं है। यहाँ से हिंसा की भी कई सारी वारदातें सुनने में आई, राजनीतिक हिंसा भी होती, आप लोग वोट डाल पाते हैं ठीक तरीके से? वोट डालने की जब बात आई तो हम बहुत ही मुश्किल से डाल पाते हैं, हमको रोका जाता है घर पे, उधर जाके रोका जाता है। हम चाहते हैं बस ये जो इधर का जो सिचुएशन है वो बस कंट्रोल में आए और हम अच्छे से वोट डाल पाए। तो ये आपने देखा कि ये बड़ी गंभीर बात है कि जो लोग हैं लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते, हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने इस तरह के इंतजाम किए हैं कि जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग कर पाएं। महिलाएं भी यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आप ये बताइए कि आप लोगों को क्या दिक्कत है, यहां कुछ परेशानी है या सब ठीक है? यहां पे तो कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, कोई नहीं है, यहां पे कोई भी कंपनी नहीं है, क्या कर रहे हैं मोदी जी को सही है, यहां पे कुछ नहीं है, महिला भी काम कर रहा है, क्या कर रहा है, काम भी नहीं है, यहां पे मोदी जी का आना जरूरी है। तो कोई काम वगैरह नहीं है, आप लोगों के बच्चे फिर क्या करते हैं? बच्चा क्या कर रहा है, खेती भी काम कर रहा है, खेती भी हाल किसी है, खेती भी काम कर रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इस गांव में कितना लोग है? इस गांव में तो मैक्सिमम करीब 1000 जैसा वोटर है। आप लोगों को क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या परेशानी है? दिक्कत परेशानी क्या है, इसमें थोड़ा राज चलता है TMC का, ये TMC का राज में से कुछ लोग है इसमें, अपना इधर एक ही पंचायत है BJP का, ये लोगों का ऊपर बीच में परेशानी करता है। अच्छा, अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब क्या आप लोगों के लिए क्या काम किया जाए यहाँ पे? हम तो चाहते हैं इधर छिंडल बहनी जितना जल्दी हो सके उतर जाए फील्ड में और इलाका शांत रहे, सब जनता जनार्दन आराम से वोट डाल सके, हम यही चाहते हैं। बाकी युवाओं के लिए सड़क, बाकी सारी शिक्षा, बाकी युवाओं के लिए तो देखो ये राज्य में तो शिक्षा तो है नहीं, 15 साल में तो कुछ भी हुआ नहीं है,
अभी चाकरी वाकरी वो सब नौकरी पोकरी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हम चाहते हैं मोदी सरकार आए इधर, मोदी सरकार आने के बाद कुछ नौकरी मिले युवाओं को, कुछ कंपनी आए तो बेकार युवक कुछ काम कर सके, हम यही चाहते हैं। कूच बिहार के शहर से लेकर सीमांत गांवों तक हमने बताया कि जनता के क्या है मुद्दे, जनता क्या चाहती है अपने जनप्रतिनिधियों से। कहीं शांति चाहती है, कहीं विकास चाहती है, तो कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य चाहती है, रोजगार भी एक बड़ा मुद्दा है। तो क्या बोले भारत में, कूच बिहार से इतना ही। अपनी पूरी टीम कैमरामैन प्रमोद नेगी और पीयूष के साथ फिर किसी दूसरे शहर से हम दिखाएंगे कि भारत क्या बोलता है इन चुनावों को लेकर।